अब आइए हाजरीन, जिसके इंतजार में आप हजरात ने पूरी रात का वक्त वक्फ कर दिया, मैं अब इस वक्त चाहता हूं कि आपकी बेकरारी में करार आ जाए और आपकी बेचैनी में चैन आ जाए, इस महफिल को कहकहाजार बनाया जाए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट तारी हो जाए। हाजरीन, आपका हर दिल अजीज शायर जो इलाहाबाद से निकलता है और हास्य के मैदान में, तंज मजाक के मैदान में शहंशाह जराफत का लकब जिसे हासिल है, वो नाम, वो चहीता नाम बिहारी लाल अंबर साहब का है। हाजरीन, अच्छा बिहारी लाल के नाम से मुझे एक बात याद आ गई। हाजरीन, एक मर्तबा मैं और बिहारी भाई दोनों एक मुशायरे से लौट रहे थे, लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो एक अंग्रेज आया हुआ था। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। अंग्रेज स्टेशन से बाहर आता है और एक साहब से पूछता है, भाई साहब क्या ये लखनऊ है? अब इत्तेफाक से बेचारा गांव का आदमी था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपनी मादरी जबान में जवाब दिया औका। अब उसे समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर एक शख्स पर उसकी नजर पड़ती है, उससे पूछता है, भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाकन बेचारा वो भी गांव का आदमी था, देहाती आदमी था, कम पढ़ लिखा था, उसने भी कहा औका। अब उसके समझ में नहीं आया, अंग्रेज की नजर अचानक बिहारी लाल अंबर साहब के ऊपर पड़ती है और बिहारी भाई माशाल्लाह कोट वगैरह पहने हुए थे, टाई वगैरह लगाए हुए थे। अंग्रेज ने सोचा कि ये शख्स मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है, क्यों ना इससे पूछा जाए। अंग्रेज बिहारी लाल अंबर साहब के पास आता है और कहता है कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? बिहारी साहब अंबर साहब ने कहा, या इट इज लखनऊ, ये लखनऊ है। अब अंग्रेज के समझ में आ गया, अंग्रेज ने कहा, भाई मैंने अभी दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा औका, फिर मैंने दो से पूछा, उन्होंने भी कहा औका, आपने सही सही बता दिया, इसका क्या मतलब? तो अंबर साहब ने कहा, दरअसल वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो गमार लोग थे, जाहिल लोग थे, इसलिए इस तरह जवाब दिया। तो अंग्रेज ने अंबर से कहा, तो क्या पढ़े लिखे? अंबर भाई ने कहा औका। तो आइए हाजरीन, रोज जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो, और प्यार से काटती हो जब दांतें, बिल्कुल आरा मशीन लगती हो। जोरदार तालियां बिहारी लाल अंबर। बहुत दुआएं, सलाम वालेकुम, सादर नमन। इतने लोग बैठे हैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया मुशारा भाई, मोहम्मद शहजाद भाई का मुशारा बहुत कामयाब रहा। साजिद भाई शायर हमारे दोस्त हैं, मुशारा मीडिया और अतीक प्रतापगढ़ी के चैनल यहाँ पर शूट कर रहे हैं, कैमरा हमारी तरफ है। और गजेहा के जंगल में मंगल होना, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं था। ऊसर खेत को ट्रैक्टर से जोत कर जो आपने उपजाऊ बना दिया, ये आप ही के मिट्टी का कमाल है कि बेल्हा की मिट्टी यहाँ नहीं पूरी दुनिया में महक रही है, क्योंकि ये बेल्हा का नाम भी आंवले की तरह लुढ़क करके पूरी दुनिया में पहुंच गया, अमेरिका में भी आपको जाना जाता है। देखिए, कभी पूरा हॉर्न नहीं बजाए, ट्रक वाला हमको देख के हॉर्न, उसे दूर से दिखाई दे रहा होगा ये कोई खूबसूरत शायरा खड़ी है माइक पर, मगर इसे गलतफहमी ये हो गई। अब उसको ये क्या पता कि मैं ना इधर का ही हूँ न उधर का ही हूँ, मैं भैया सबके घर का हूँ। पहले इसको समझ लीजिए। लखनऊ का जिक्र किया जमील भाई ने, जमील भाई भी हमारे खानदान हैं, जैसा कि दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो लगता है कि हम दोनों आपस में बहने हैं, मगर इससे अंतर हो जाता है कि दोनों कपड़ा अलग अलग पहने हैं। इन्होंने कोट पहना है, हमने जो है कुर्ता पैजामा पहन लिया है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई 10-15 हजार भेज दे बगल वाले थाने को। अब भाई ये बता दे
कि मजनू के प्यार में लैला तैयार है लुट जाने को। तो ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं, इन्होंने लखनऊ का जिक्र किया तो मैंने भी थोड़ा फिक्र किया। मैं एक बार पिताजी के साथ लखनऊ स्टेशन पर उतरा, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हमने पिताजी से कहा, पिताजी थोड़ा मुस्कुराइए। कहे मुस्कुराऊं कैसे, जेब तो कोई काट ले गया। हमने कहा, अरे बाप रे, आपके चेहरे की तो रवानी चली गई। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने लखनऊ पे कुछ चार पंक्तियां कहने की कोशिश आता लिखा नहीं है, सोच रहा हूं कह डालू कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए। तालियां अब आएंगी। इश्क में जो करे दगा मुझसे, इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। क्या अच्छा काफिया लाया भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा काफिया लाया। क्या कहने अंबर साहब भाई, खराब का जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। हमको बहुत चाहते हैं मगर माला तू उतार दू, एक आदमी तो हम माला उतारने के लिए लाया करूंगा। आप लोग जो है, अब आपकी बेगम ने एक माला क्या पहनाया, आप लोगों ने हजारों मालों से नवाज दिया। अब हम तो माला माल हो गए, एक बार तो इतना माला पहना दिया कि माला माल हो गए। तो बाद में पता चला माला ही रह गया, जो माल लिया था वो कहीं और गया, चला गया। तो इसलिए हम लोग जो है माला, आप लोग इसी तरह, ये भी अकीदत के फूलों की तरह है। इलाही काश दुआएं कबूल हो जाएं कि हम जो कांटों को भी छू लें तो फूल हो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ये मुशायरा बहुत कामयाब रहा। अब कामयाब इसलिए रहा कि आपने हमको बुलाया, क्योंकि इसमें हम भी अब कामयाब हो जाएंगे। हम भी कामयाब हो जाएंगे। आपने रात को महताब की तरह देखा, कल सुबह आफ्ताब हो जाएंगे। आपने जो गौर से सुन लिया, हम भी आज लाजवाब हो जाएंगे। क्या कहने, बहुत बढ़िया, प्यार से सुन लिया, बड़ा मन आपका। कि दस बीस तीस हजार तक उधार हो न जाए, ये ना मिलो मुझसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, दिल तुमसे मिल करके बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह बाए तू फरार हो न जाए। ये कोई कविता है नहीं, कविता है न कोई शेर है, मगर थोड़ी देर हंसाने का एक मोहब्बत भरा एक नमूना है। थोड़ा आपका मन बदल रहे हैं। काबिश भाई ने बहुत राबिश लगा करके आप तक बहुत शेर पहुंचाए, उनका जवाब नहीं है। देखिए चार छह पंक्तियां, अगर आपको, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए, जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। जब कोरोना आया इंडिया में तो सबसे पहले मोदी जी से मिला, फिर अमित शाह से मिला, फिर केजरीवाल से मिला, फिर जब हमारे पास आया तो हमको देख के कहता है, अरे बाप रे बाप, ये हमारी तरह एक और कौन घूम रहा है इंडिया में। हमने कहा, अबे मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूँ, भाग जाओ साले, ने तुम्हारी टांग फांग सब तोड़ डालूंगा। हमारे कहने से कोरोना जाने वाला था, हमारे कहने से कोरोना जाने वाला था, लेकिन किसने रोक लिया, मैं बता रहा हूं किसने रोक लिया। अपने मन पसंद की दवा लाने नहीं देते, अपने मन पसंद की दवा, अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते, अपने मन पसंद का खाने नहीं देते, नात रिश्तेदार पास आने नहीं देते। हमने कहा, कोरोना कब जाओगे मेरे देश से, वो बोला हम जाते हैं, मोदी जी हमें जाने नहीं देते।
ऐसा कोरोना फिर चला गया, मगर तब से डेंगू आ गया। और जब डेंगू आ गया तो तमाम परेशानियां आ गई। जितने किताबों में अच्छर नहीं है उसके दस गुने हम अच्छर घूम रहे हैं। अब हम लोग मच्छर मारे कि अच्छर पढ़ें, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, मगर इससे सेहत आप लोग बचा के रखिएगा दोस्तों, बड़ा कीमती जिंदगी है। मैं चार छह पंक्तियां और आपको कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। चार पंक्तियां भाई काबिस भाई ने माँ के हवाले से पढ़ी। मुझे मैंने शेर तो नहीं लिखे, मगर ऐसे कहे, चाय की दुकान पर बैठा था तो एक शेर ऐसे ही कह दिया। क्यों चे पर्वत की जो चोटियां मिल गईं, वाह, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, यही कमाल है। रोटियां बिहारी लाल अंबर साहब में यही कमाल है। बीच बीच में एक शेर देंगे जिसमें एक बड़ा मैसेज होगा, बड़ा। एक शेर और आ गया है, और क्योंकि हमारे बीच में जेरे सरप्रस्ती राजेश कुमार विश्वकर्मा भाई को मैं बहुत ही नमन करता हूँ। हमारे बीच में जेरे कायादत जुनैद आरिफ खान साहब हैं, और जेरे सदारत भाई मोहम्मद इरफान भाई हैं। मैं इन सबको तमाम दुआएं मांगता हूँ। हमारे बीच में कारी अब्दुल अली साहब हैं, और कारी कलीमुल्ला साहब बैठे हैं, नहीं चले गए। अच्छा, अरे दुआएं साहब आप तो थोड़ी देर आप रहे, अभी तो यही बैठे थे। अंबर भाई ये बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे आगे हैं, ये बच्चे भी बैठे हैं आगे। हाँ बच्चे तो हैं, अरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो उम्र के बहुत कच्चे हैं, पता नहीं किसके बच्चे हैं। बच्चे आ गए तो मुझे चार पंक्तियां याद दिला दिया भाई जमील भाई ने। उम्र के कच्चे आ जाते हैं, दिल के सच्चे आ जाते हैं, कोनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, इसे बहुत अच्छा हुआ। और हमको इसी में इश्क हो गया गर्मी में। जब गर्मी में इश्क हो गया पिछली गर्मी में, तो लड़का देसी है और लड़की एसी है, यही बात आपके लिए बेसी है। मैंने चार पंक्तियां बनाई कि दिल में बसा के, कि दिल में सजा के प्यारे का, दिल में सजा के प्यार का बंगला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई, दो रोज मेरे गांव से बिजली क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और ये हिंदू मुसलमानों का एकता का मंच है, जहां हम लोग तहजीब ही नहीं वतन को मजबूत करने के लिए मोहब्बत की कड़ियों में बंधने का भी यहाँ नुस्खा सीख रहे हैं, और सब लोग एक हैं, यही हम लोग संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चार पंक्तियां कहते हैं, जब हमारे देश के आला कमान ने कहा कि दीप जलाना है, तो हमने बताया कि दीप कहाँ जलाया जाए, कि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, वाह, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, जिसकी छाया में, जिसकी छाया में बैठे सभी वर्गों के लोग, जिसकी छाया में बैठे सभी वर्गों के लोग,
आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आइए ऐसे ही। और कलीमुल्ला साहब, आपकी दुआएं रहे, आपके तमाम इबादत के लोग बैठे हैं, और ऐसे लोग जिनके अंदर खुदा वास करता है, जिनके सीने में कुरान हमेशा हासिल रहता है, और जिनके लबों पे सूरा और उसकी आयतें हमेशा रहती हैं, और जेब में आयत कुर्सी रहती है, ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मान करके हम लोग इबादत करते हैं। और खुदा एक है, उसी का नाम भगवान है, ईसा है, उसी का नाम गुरु नानक है, और हम सब लोग एक हैं। सारे लोगों को ऊपर वाले ने एक बनाया है, इसीलिए मैं कलीमुल्ला साहब आपको ये नजर कर दे रहा हूँ। मैंने लिखा तो नहीं है, मगर एक चाय की दुकान पे बन गई थी कि उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठ कर जब उमर आएंगे, उनसे मिलने आ भाई तारिक हासिम भाई, बहुत बहुत दुआएं कि उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठ कर जब उमर आएंगे, नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे, अब मेरे मूसा जब आएंगे मेरे शहर, मेरे मूसा जब आएंगे मेरे शहर, जितने फिरौन है डर के मर जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे। और मुझे चार पंक्तियां और याद आ गई, क्योंकि आखिरी मुशारक आखिरी दौर है, आखिरी दौर है, और अजान का बेला आने वाला है। मुझे सिर्फ इतना से कहना है, यूसुफ तेरी आंखों का जमजम हुआ पानी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलाम जो पैगंबर बनकर आदमी के बीच में तो घूम रहे थे, किसी को बताया नहीं। मैंने कहा यूसुफ तेरी आंखों का जमजम हुआ पानी है, यूसुफ तेरी आंखों का जमजम हुआ पानी है, इस मिस्र की मिट्टी में तेरी भी रवानी है, इस मिस्र की मिट्टी में तेरी भी रवानी। अब पंक्तियां इबादत की सुन लीजिए। लब से जो मोहम्मद का कभी जिक्र नहीं करते, लब से जो मोहम्मद का कभी जिक्र नहीं करते, बेकार ये दौलत है बेकार जवानी है। जवानी में नहीं नाम लिया, बुढ़ापे में लेकर के दिखावा क्यों किया। इसलिए अंबर भाई बहुत ही दुआएं करते हैं, बड़ी मोहब्बतों से कहते हैं कि जो है उनसे चार पंक्तियां और सुन लीजिए। उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, भाई रामानंद सागर भाई मुझे पंक्तियां याद आ गई, कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। चार छह पंक्तियां और आपके बीच में रख दूं, क्योंकि मुशायरे का हमारा प्लान था कि मुशायरा अगर 10 बजे 9 बजे शुरू हो जाए,
बड़ी बहुत ठंड में लोगों ने इतनी भीड़ में सुना, ये बहुत ताज्जुब हुआ कि गजेहरा के जंगल में इस तरह की कोशिश की गई कि मुशायरे यहाँ पर आपने फराहम किए, और मुशायरा का सम्मेलन इतना खूबसूरत चला कि आगे वाले दिन में लोग आपसे कहेंगे कि फिर से कराइए। तो ये हर साल होता रहेगा, मुझे उम्मीद है। शहजाद भाई की मेहनतें बहुत रंग लाई, उनके साथियों की मेहनतें बहुत रंग लाई, राजेश विश्वकर्मा की मेहनतें बहुत रंग लाई, इसलिए आप मिलजुल के यह काम जो कर रहे हैं ये बहुत ही साहित्यिक है, अदबी है। इससे हम लोगों को समाज में एक होने की ये जुगत बनी रहेगी। इसलिए मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे, जो जबान दे देंगे, कैसे हिंदू से मुसलमान को लड़ाएगा कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।